व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय एपिसोड। और कल है लॉ ऑफ क्राइम का पेपर, तो उसकी तैयारी जो है वो अब आप मैं करने जा रहा हूँ। कुछ हद तक तैयारी हो चुकी है, कुछ हद तक करना बाकी है। तो पहले अभी तो मैं जा रहा हूँ डिमसम मोमोज, वहां से चाइनीज खाना लाने, क्योंकि खाना घर में आज किसी का मूड नहीं है खाने का, तो खाना वाना वहां से लेके आएंगे। और जितनी थोड़ी बहुत चुटपुंजियां पढ़ाई थी वो हमने कर ली है, हल्की फुल्की जितनी करनी थी वो तो मैंने कर ली है, बाकी अब देखते हैं कि कितनी और पढ़ाई हो पाती है। तो अभी तो जा रहे हैं पहले डिमसम मोमोज, वहां से चाइनीज वाइनीज कुछ खाएंगे जाके, बहुत मन कर रहा है। उसके बाद घर आएंगे, फिर देखते हैं कितना पढ़ने को बाकी रह गया है। अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे आपको बेल आइकन दिख रहा होगा, इसको प्रेस करके ये कर दो और जुड़े रहो मेरे चैनल के साथ, मेरे साथ कीप सपोर्टिंग कीप लविंग, और 1000 सब्सक्राइबर मेरे जल्दी से कंप्लीट करवा दो। लास्ट सेकंड लास्ट पेपर है कल, और उसके बाद मेरा है फिर सीधे 14 तारीख को। तो बस उसके बाद तो फिर फुर्सत ही फुर्सत, वैसे भी फुर्सत स्कूल से जब से निकले तब से फुर्सत ही चल रही है, छुट्टी पे छुट्टी मिल रही है और फिर अभी छुट्टी हो जाएगी। अब देखो फिर साला कब जाके कॉलेज खुलता है। खैर कीपिंग दिस असाइड, मैं अभी जाके जिम करूंगा और जिम करके फिर जाएंगे तुरंत जाके जिम से मोमोज और चाइनीज वाइनीज खाएंगे, फिर बढ़िया अपना आराम से सो जाएंगे। पढ़ाई वढ़ाई देखें कितनी हो पाती कितनी नहीं। तो चलिए चलते हैं डिम से मोमोज चाइनीज लाने। हम लोग आए हैं डिमसम मोमोज पे गोमती नगर एक्सटेंशन में, यहाँ से हम लोग चिली पनीर, फ्राइड राइस, मंचूरियन, चाउमीन, मैक्रोनी ये सब वगैरह वगैरह चाइनीज पैक करा रहे हैं, क्योंकि भूख लग रही है, चाइनीज खाने का मन हो रहा है, तो चाइनीज भाई लोग पैक करा ले रहे हैं और वही पैक करा घर जा रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले मुझे नींद भी आ रही थी, कल सोचे एग्जाम के लिए यार पढ़ेंगे, लेकिन अभी नींद आने लग गई तो थोड़ी देर मैंने वर्कआउट वर्कआउट करके थोड़ा सा बॉडी में ना यूं थोड़ा चेतनता आने लग गई, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो अब उसके बाद खाना तो घर में कुछ खास बन नहीं रहा है, पापा तो दाल चावल जो है वो खाएंगे, हम लोग मैक्रोनी ये सब लोग खा लेंगे, बाकी अब देखते हैं आगे क्या सीन रहता है, कितनी देर में रात में पढ़ता हूँ। वैसे मन तो एकदम 1% नहीं हो रहा है पढ़ने का, लेकिन फिर भी देखते हैं कितनी पढ़ाई होती है। बाकी अभी यहाँ से डिमसम मोमोज, अगर आप आते हो यहाँ पे गोमती नगर स्टेशन तो डिमसम जरूर आना ट्राई करने, यहाँ का चाइनीज बहुत बढ़िया है और अफोर्डेबल और एक नंबर है, बहुत बढ़िया बनाते हैं चाइनीज, आप आके यहाँ पे जरूर ट्राई करिए। ये डिमसम मोमोज करके है यहाँ पे, ये ग्रीनवुड अपार्टमेंट के सामने ही है गोमती नगर एक्सटेंशन, डिमसम मोमोज शाम को ये लोग 6 बजे से लगाते हैं, तो आप आइए यहाँ पे जरूर, यहाँ का चाइनीज और अलग अलग वेराइटीज है उसको जरूर ट्राई करिए। ये देख सकते हैं आप बढ़िया, यहाँ पे शाम को महफिल जमती है लोगों की, ये डिमसम मोमोज सुलभ अपार्टमेंट के पीछे और यहाँ पे ग्रीनवुड अपार्टमेंट उसके जस्ट सामने आपको मिल जाएगा ये डिमसम मोमोज। और लाइन से यहाँ पे जैसे चटोरी गली है वैसे यहाँ पे भी लाइन से खाने पीने की स्टॉल्स लगते हैं और आपको बेहद एक नंबर वेराइटी यहाँ पे खाने पीने की मिल जाएगी, तो आइए और अफोर्डेबल प्राइस में जरूर ट्राई करिए डिमसम मोमोज। देख सकते हैं आप हर तरफ खाने की भीड़ लगी हुई है, लखनऊ में जिस तरह से खाने की वेराइटियां और खाने के स्टॉल्स और खाने की शौकीनता बढ़ते जा रही है, और वैसे तो लखनऊ नवाबों का शहर फेमस ही था खाने के लिए, लेकिन अब धीरे धीरे जायके और बढ़ते जा रहे हैं और खाने की वेराइटियां और खाने की जो लोगों की पसंद है और खाने की जो लोग खाने के लिए जो बेताब रहते हैं कि लोगों को खाना है, कुछ नया खाना है, कुछ अमेजिंग, कुछ न्यू टेस्ट ट्राई करना है, वो अब लखनऊ में बहुत तेजी से बढ़ गया है, तो ये देख के अच्छा लगता है। जिनकी बहू अब ठीक हो गए हैं, इनकी दवाई लगाई गई है, आपने ठीक हो रहे हैं धीरे धीरे। तो कल के भी पेपर की उम्मीद है कि मेरा पेपर अच्छा चला जाए, और अभी तो मैं वो नीचे से खाना वाना खा के आया हूँ, चिली पनीर, फ्राइड राइस ये सब ले आए थे भाई, डिमसम मोमोज बहुत बढ़िया है। अगर आप बढ़िया चाइनीज अगर गोमती नगर में खाने की उम्मीद कर रहे हो और खाना चाहते हो अफोर्डेबल प्राइस में, तो भाई डिमसम मोमोज चले जाओ, वहाँ पे बहुत बढ़िया एक नंबर फ्राइड राइस, चिली पनीर, मंचूरियन, चाइनीज खाना मिलता है, आराम से गाड़ी लगा के खाओ, चाहे टेक अवे करो चाहे वहाँ पे बैठ के खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रीनवुड अपार्टमेंट के सामने गोमती नगर एक्सटेंशन में, बढ़िया जाके इन्जॉय करो। खैर कीपिंग दिस असाइड, मैंने जो है अभी तक सिर्फ 2 पन्ने पढ़े हैं और पन्ना ही तो बहुत सारे पलटने पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ने का एकदम इच्छा नहीं हो रही है और साला क्या बताएं, मन ही नहीं कर रहा है, एकदम एक तरह से मन ही नहीं कर रहा है पढ़ने का। और सबसे मेन चीज ये है कि जब एग्जाम होता है उस दिन जब सुबह उठ के पढ़ने की इच्छा होती तब साला भयंकर नींद आती है, इतनी भयंकर नींद आती है कि बता नहीं सकते, कि मतलब बस लगता है कि सोते ही रहो, बिस्तर तोड़ते रहो। लेकिन जिस दिन साला एग्जाम नहीं होता, जैसे आज मेरा एग्जाम नहीं था तो आज मेरी आंखें 6 बजे खुल गई, अब कल एग्जाम होगा
कल आंखें नहीं खुलेंगी, चाहे 6 बज जाए, चाहे 10 बज जाए, चाहे 12, चाहे 1, आंखें खुलेंगी ही नहीं सारा, चाहे जो कर लो। इतना बड़ा चिरांत माहौल बन जाता है। लेकिन वही है कि आज कल एग्जाम है, तो अब देखना, अब कल आंखें नहीं खुलेंगे लेकिन उठ के पढ़ना पड़ेगा। स्कूल में भी यही होता था, अभी भी यही हो रहा है भाई। ये चीज आज तक कभी नहीं बदली स्कूल से लेके अभी तक। तो अब बज रहे हैं रात के 11:21। पढ़े अड़ेंगे तो बिल्कुल नहीं भाई, पढ़ाई जितनी थी वो हो चुकी। तो अब जाके बढ़िया लेटेंगे, थोड़ी देर यूट्यूब चलाएंगे और फिर देख के सो जाएंगे। सुबह 4 बजे उठने की कोशिश करेंगे, तभी बैठ के पढ़ेंगे अपना। अगर फिर नींद आई फिर सो जाएंगे, फिर 6 बजे उठेंगे, फिर देखेंगे पढ़ाई हो पाई तो ठीक है, वही रिवाइज वाइज करके बढ़िया चले जाएंगे। अब सिर्फ 2 पेपर रह गए, कल है लॉ ऑफ क्राइम, फिर 14 को मेरा आखिरी पेपर है लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का। पेपर मेरे अच्छे जा रहे हैं, लॉ ऑफ जो मेरा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ था वो मेरा उतना अच्छा नहीं गया, लेकिन फिर भी पास होने की उम्मीद है। बाकी पेपर अच्छे जा रहे हैं, लेकिन सेंटर इस बार इतना चिरांद जगह गया है, कुछ चिरांद लोगों की वजह से इस बार इतना घटिया जगह सेंटर चला गया है। पिछली बार अच्छा खासा सेंटर गया था, वहां पे लोग दबा दम के छाप रहे थे। मिलते हैं आपसे कल सुबह, गुड नाइट, मतलब मेरे लिए गुड नाइट, आप तो वीडियो देख ही रहे हो। तो मिलते हैं आपसे अब कल सुबह। हे गाइज, वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग। और आज का दिन है 11 अगस्त और आज है मेरा लॉ ऑफ क्राइम का एग्जाम, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और तैयारी मतलब हो चुकी है, लेकिन इतना कंफ्यूजिंग है कि डकैती, थेफ्ट और रॉबरी, एक्सटॉर्शन, ये सब मतलब सर के ऊपर से निकल रहा है। आसान है लेकिन दिक्कत यही है कि डिफिकल्ट नहीं है, वो क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं, हाँ कन्फ्यूजिंग है, कन्फ्यूजिंग काफ़ी है। तो जो कुछ भी है, जैसा भी है, वो मैंने कर लिया है, भगवान के भरोसे मैंने कर लिया है। बाकी आज पता नहीं क्यों ये वाली आँख मेरी अंदर से बहुत पेन हो रही है, मुझे तो बस इस बात का डर लग रहा है कि लखनऊ में और जो तेज़ी से जो वो आई फ्लू फैल रहा है, कहीं वो तो नहीं मेरी आँख में हो गया। मतलब अभी तक तो ऐसा कोई आसार नहीं है, लेकिन फिर भी पेन हो रहा है। तो अभी देखते हैं, अभी तो मतलब हल्का फुल्का हो रही है, सुबह जब उठा था तब बहुत पेन हो रहा था, तो अभी उतना तो नहीं है। बाकी तैयारी हो चुकी है, अब बस निकल रहा हूँ क्योंकि 12:30 हो चुका है। अभी जाना है पहले स्कूटी में तेल डलवाने, उसके बाद सीधे फिर निकल जाऊँगा। और वहाँ तो फ़ोन का कोई यूज़ होता नहीं, तो फ़ोन अपना ही रह जाऊँगा। बाकी फिर देखते हैं आगे का क्या सीन रहता, कैसा जाता पेपर, जैसा होगा मैं आपको आके अपडेट करूंगा। तो बने रहिएगा एपिसोड के एंड तक। एक शूट्स भी अभी स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो शूट व्लॉग भी मैं बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूंगा। तो अब टाइम ज्यादा बचा नहीं है, तो मैं जल्दी से बचा कुछ जो है रिवाइज कर लेता हूं, रीड मान लेता हूं, और फिर मैं चाहता हूं सीधे एग्जाम सेंटर की तरफ। अपडेट होता है तो मैं आपको बताता रहूंगा, तो एपिसोड के एंड तक बने रहिएगा। सो हे गाइस, मैं आ चुका हूँ अपने सेंटर पे एग्जाम देने, और यहाँ पे इतनी ज्यादा गर्मी, इतनी ज्यादा धूप हो रखी है कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन फिर भी कोशिश बनी हुई है कि अब एग्जाम आज अच्छा चला जाए। इतनी उमस हो गई है आज, धूप बहुत ज़्यादा हो गई है, तो वही है कि अब देखते हैं कि एग्जाम आज कैसा जाता है। बने रहिए एपिसोड के एंड तक। और मैं जा रहा हूँ अब एग्जाम देने, क्योंकि 1:30 हो चुका है, टाइम हो चुका है, तो अब एग्जाम देने जाते हैं एंड फिर देखते हैं आगे क्या सीन रहता है। और बहुत उमस हो गई आज, जितने दिनों के बाद आज जाके धूप निकली है। फाइनली दोस्तों लोग, अब हम लोग जा रहे हैं ओपन एयर मुर्गा तोड़ने। ये है तुलसी टॉकीज, जो कि लखनऊ की काफी पुरानी टॉकीज थी, अब तो बंद हो गई है। और वहां पे है अपना नॉनवेज का पॉइंट, लाइन से कई सारी दुकानें हैं, और सबसे पुरानी चटोरी गली से भी पहले यहाँ पे आपको बेस्ट टेस्ट मिल जाएगा उस जगह पे, और वहीं हम लोग चलते हैं। ओ भाई साहब, इतना तगड़ा और इतना बेहतरीन चिकन ये लोग बनाते हैं कि मतलब दिल जो है वो भर जाता है। और एक नंबर चिकन बना था, तो हम लोगों ने दबा के एकदम तेल के खाया। और अब जा रहे हैं सीधे घर, और बहुत बढ़िया रेंज में हम लोगों ने खा लिया, मान लीजिए सिर्फ 800 रुपए में हम लोगों ने खा लिया, और हम लोग सीधे जा रहे हैं घर। और एंड करते फिर आज के अपने एपिसोड को।